सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो यार, आज डेट है 12th दिसंबर, और अभी मतलब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। होली को थोड़ा करना है, इग्नोर क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। और यार, ब्लॉग को आए बहुत टाइम हो गया। आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि यार एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। पिछले सैटरडे को शायद डाला था और आज सैटरडे है, तो यार हफ्ते से ज़्यादा हो गया। सो यार सॉरी फॉर देट, मैं इसलिए नहीं ला पाया ब्लॉग, क्योंकि यार इतना कुछ खास कंटेंट मेरे को मिल नहीं रहा था। और बाकी अगर मैं फालतू चीज़ें डालता रहूँ कि रोज़ यार मैं यार पार्क जा रहा हूँ, मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ रोज़ की रोज़, अगर वही डालता रहूँगा तो यार आप लोग भी बोर हो जाओगे और फिर अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे। सो आप लोग को यहीं बनाए रखने के लिए, इन्जॉयमेंट दिलाने के लिए मैं आज नए ब्लॉग के साथ आया हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और बाकी फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद। A few inches later. सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ नहा के, और ये रही मम्मी। मम्मी एक बार हाय बोल दो। और यार अभी ना मतलब सोसाइटी में ऐसे थोड़ा वो स्टार्ट हुआ था, वो कोरोना का मतलब टेस्ट कर रहे थे, तो यार मेरा कोरोना का टेस्ट मिस हो गया, क्योंकि पापा और दीदी अभी जयपुर गए हैं कुछ काम से, और मेरे को और मम्मी को लेके नहीं गए। मम्मी तो चले जाते हैं, मेरे को इसलिए लेके गए क्योंकि मेरे पढ़ाई वढ़ाई थी थोड़ी बहुत, और पापा थे तू पढ़ता लिखता नहीं तो तू यहीं रह। और अभी कौन सा पढ़ी रहा है, तो ब्लॉग बना रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ, ब्लॉग मेरे को बनाना ही था तो लेके चल लेते थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। और मतलब हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी उनके लिए, क्योंकि वो लोग अभी गए हैं तो आज शायद 12th, और मतलब ऐसे बोला गया था कि किसान आज ब्लॉक करेंगे रोड को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका फ़ोन आया तो बोलते सब सही है, हम आराम से NH8 क्रॉस कर गए हैं, तो अच्छी बात है। और बाकी आज मेरा यार टेस्ट मिस हो गया, मेरे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे को जाना जानबूझ के नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि वो यार नाक मम्मी घुसाते हैं वो कुछ, भाई बहुत देखते अजीब सा लगता है, तो मेरे को मन नहीं करा जाने का। अच्छा वो मिस हो गया। सुबह की अभी मम्मी की डिमांड आई है, मम्मी को पीनी है चाय, मेरे हाथ की चाय, तो अभी मैं चाय बना के आता हूँ। अच्छी वाली मम्मी को चाय पीनी है, और अभी कड़क नहीं, हम तो दूध वाली पिए, दूध वाली चाय पीएंगे। चलो आते हैं और फिर मिलते हैं चाय पीते वक्त, जो मैं कहूँगा फिर मम्मी मेरे को डॉग दिलाएंगी, है ना? नहीं, खाने पीने की बात कर रही थी मैं। ओ चलो डिसाइड करेंगे बाद में, आ तो हम दोनों अकेले ही हैं घर में, तो आज हम मौज लेंगे। यस वो दोनों गए हैं, सो चलते हैं, लेट्स गो। हम दोनों वैसे भी बहुत कम होते हैं जब, हाँ हम दोनों बहुत कम होते हैं, ज्यादातर पापा के साथ लॉन्ग ट्रिप पे मैं ही जाता हूँ, दीदी कम जाती है, मम्मी के साथ दीदी रहती है। सो आज मैं रहा हूँ मम्मी के साथ, अभी बनाते हैं चाय, सो लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ बना के चाय, ये रही मम्मी, और मम्मी भी चाय टेस्ट करेंगी, और ये हमारा टी ब्रेक आज का नाश्ता। सो अभी खा पी के देखते हैं। ओ भाई गर्म है, लेकिन अपनी को अच्छी लग रही है चाय, तो मम्मी बस चाय पियो और बताओ कैसी लग रही है। तो चाय गर्म ही होती है, नहीं थोड़ी बताओ ना, अभी कह रहा हूँ गर्म है, तो गर्म तो गिलास भी गर्म हो गया ना, जल्दी पी के बताओ। चाय कती जहर, एक नंबर, मैं कहूँ कती जुलम ठा दिया तन्नु भैया ने, है ना? चलो अभी हम लोग चाय पीते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं, लेट्स गो। वैसे अभी हमारा टी ब्रेक हो चुका है ख़त्म, और मम्मी अपना लूडो खेल रही हैं, और मैं आगे वो किताब लेके और अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी ने बोला है अगर मैं पढ़ूंगा तो मम्मी शाम को टेस्टी ऑर्डर कर देंगी बाहर से। सो बस अभी अपना पढ़ लेता हूँ, फिर बाकी ब्लॉग को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पढ़ के, और मैंने पूजा भी कर ली है, और अभी शाम हो चुकी है, अभी हो रहा है 7:30 टाइम। और बाकी अभी मैं आपको ये पता ट्रैक्टर दिखाता हूँ, मैंने नया वाला बनाया है, तो देखो इसको। तो है हमारा पुराना ट्रैक्टर, जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, ये थोड़ा ख़राब हो रहा है यहाँ से देखो, तो इसके मतलब मेरे को करना है अभी पेंट। बाकी ये ट्रॉली वही सेम है, इसके टायर ख़राब हो गए इसलिए मेरे को टायर दूसरे लाने हैं, तो ये थ्रेसर ऐसे ही पड़ी है। और ये है नया वाला ट्रैक्टर, इसमें मैंने लॉग रख रखे हैं कि वेट का पता लग जाए कैसा है। और बाकी ये नया ट्रैक्टर है, टायर इसमें बड़े हैं, लेकिन ये टायर इसके नहीं है, दूसरे ट्रैक्टर के टायर है, और ये नई ट्रॉली है। एक बार मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ, ये ट्रॉली क्या क्या है। तो गाइस ये है मेरी दोनों ट्रॉली, ये वाली जो ट्रॉली है ये थोड़ी छोटी है, ये वाली बड़ी है। इसमें अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये वाली ट्रॉली, इसको मारवाड़ी ट्रॉली बोला जाता है, और ये वाली है ये पंजाबी ट्रॉली है, क्योंकि ये ट्रॉली ज़्यादातर पंजाब साइड यूज़ होती है, और ये हमारे मतलब मेरे गांव की तरफ राजस्थान की तरफ यूज़ करी जाती है ट्रॉली ये वाली, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी डंपिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खेती का काम होता है, इसलिए ये वाली ट्रॉली यूज़ होती है। और बाकी अगर देखा जाए पीछे से, ये दोनों ट्रॉली ऐसी दिखती हैं, ये देखो ये कुंडे लगा रखे हैं इससे मैंने, ये जिसके ये जो पूरी है ना, ये सरफेस जो मतलब बना रखा है, ये सारे जो स्टील का है,
ये भाई वो है जो फुलझड़ी में जो बचते हैं ना, जो आखिरी में सरिये टाइप के छोटे छोटे वो हैं ये। तो यार पूरा देख लो आप, इसे देखो किसान अंदर में ट्रोली आई है वो बिल्कुल देखो ऐसी हैं, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी इन ट्रोलियों में लगा होता है सिंगल टायर और इन में लगा होता है डबल टायर। देख लो डबल टायर, आपको बीच में आपको दिख रहा होगा गैप, ये ऐसी ट्रोली दिखती है। और ये भाई जो ट्रोलियाँ हैं ये प्रॉपर होममेड है और इसको मैंने भाई ही बनाया है अपने घर पे खुद। बाकी ये बिल्कुल मैंने ओरिजिनल ट्रॉली की तरह ट्राई करा है बनाने का, बाकी पेंट करने के बाद और अच्छा दिखेगा। तो यार देख लो एक बार कुछ ऐसी लगती हैं ये। देखो जैसे ये वाली ट्रॉली का अगर देखा जाए तो ये यहाँ से एडजस्टेबल है, देखो ये इसमें हट जाता है खुद, ये स्टैंड है यहाँ से, ये स्टैंड अभी हट जाता है, डाला यहाँ से खुल जाता है, ये डाला खुल गया है। और इस वाली स्टोरी में अभी स्टैंड नहीं लगा है क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है ये वाली ट्रॉली, ये अभी पेंट वेंट कुछ नहीं हुआ है। देखो आगे से कुछ ऐसी दिखती है ये ट्रॉली, और बिल्कुल देखो कुंडा वुंडा सब लगाया है मैंने जो उसमें लगता है। और ये इसमें ये रस्सी अड़ाने के लिए, यहाँ पर जब रस्सी बांधते हैं ये इसमें भी लगी हुई है। और देखो ये भी सब ये मैंने मतलब खुद ही अपने घर पे बनाया है। बाकी ये है अपना छोटा सा जहाँ पर मैं अपना सारा काम करता हूँ। तो बस अभी हम लोग नीचे चलते हैं, यूट्यूब ने गूगल कुछ करा है मेरे को, मेल करा है, तो वो पढ़ के एक बार आपको बताता हूँ मैं। तो यार मतलब यूट्यूब ने मेरे को कुछ सेंड करा था गूगल पे, वो ये था कि मतलब अब तक के मेरे सारे वीडियोस में 174 सब्सक्राइब वो कमेंट्स आए हैं सॉरी, और 234 टाइम्स मेरी वीडियो शेयर करी गई है इधर उधर। और अब तक मेरा इसमें लिखा है फ्रॉम योर फर्स्ट वीडियो अपलोड अंटिल नाउ योर फैंस हैव स्मैश दैट लाइक बटन 1006 टाइम्स। आप लोगों ने लाइक करी वीडियो, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ तो सारा डाल रहा हूँ जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। और बाकी यार इसमें मतलब सही सही चीज़ें दे रखे, मतलब मैं बड़ा खुश हुआ देख के, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ अपना चैनल लेकिन अच्छा लगा यार आप लोगों की वजह से हुआ है। सो इसमें है कि 8,348 नए व्यूज़ आए हैं मेरे 2020 में, क्योंकि मैंने 2020 में ही स्टार्ट करा है, तो 8,348 व्यूज़ आए हैं 201 सब्सक्राइबर्स के साथ। और जो आप लोगों व्यूअर्स आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है 15,225 मिनट्स, तो ये अगर देखा जाए तो कुछ 245 आवर्स कुछ हो रहा है इतना। और बाकी यार सही में मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के, ज़्यादा कुछ नहीं है ये लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। सो यार आप लोग बस ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो जिससे यार अपना एक दिन चैनल बढ़िया से ग्रो हो। सो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नई नई वीडियोस पता चलती रहेंगी और मेरा भी चैनल ग्रो होएगा। और बाकी आप लोग मेरे को आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं किसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप लोग वीडियोस फालतू की देख देख के बोर हो और आपको मज़ा ना आए। आप लोग बता सकते हो मेरे को कमेंट्स में कि मैं क्या बनाऊं। और आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक दे रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में। तो बस हमारा हो रहा है खाने का टाइम, देखते हैं अभी हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। तो गाइस खाने का सारा मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने मंगवाई है पनीर की सब्जी और स्नैक्स में मैंने स्प्रिंग रोल मंगवाए हैं, और मन कर था मंचूरियन का लेकिन मम्मी ने मना कर दिया तो मंचूरियन नहीं है, यही हमारे लिए बहुत है। और रोटी मेरे को बाहर की पसंद नहीं है तो रोटी हम लोग घर की ही खा रहे हैं, और थोड़ा खर्चा कराना ही था क्योंकि देखो पापा और दीदी बाहर गए, उन्होंने भी खाया होगा। सो अभी हम लोग खाते हैं और इस वाले ब्लॉग को भी एंड करते हैं, थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा। सो आई होप आपको वाला ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपना चैनल ग्रो करो। और आज मैं सच में बड़ा खुश हुआ गूगल में जो आया मेरे को यूट्यूब की तरफ से मेल, तो बस ऐसे इसको बरकरार रखो यार, प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करो और नए नए आइडियाज़ लाओ मेरे को बताओ, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा आपको अच्छा लगेगा तो। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।